स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज में। उम्मीद है बच्चों आप लोग रोजाना की तरह ठीक होंगे। आज हमारा जो मुख्य टॉपिक होगा वो राइबोसोम होगा। यारे बच्चों, इससे पहले हमने आपको लाइसोसोम और अन्य कोशिकाओं का वर्णन कर दिया है। आज हमारा जो ठीक है राइबोसोम के बारे में जानेंगे। देखते हैं सबसे पहले बच्चों ये होता कैसा है। हमने आपको कई बार एक प्लांट सेल का डायग्राम बनाकर समझा भी दिया है कि यहाँ पर अलग अलग बहुत सारे कोशिकांग मौजूद होते हैं। तो आज हम राइबोसोम की चर्चा यहाँ पर करेंगे। बच्चों जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना ER, इसके बारे में चूंकि हम वर्णन कर चुके हैं ER के बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, इसको हमने अंतःपरदवी जालिका का ठीक है नाम भी आपको बताया था। तो इसके ऊपर ये जो गोल गोल छोटे छोटे आप ये देख रहे हो ना, आज इसी की चर्चा करेंगे जी। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है बच्चों वो कुछ इस तरह की होती है। मतलब इनका एक जो पार्ट होता है, एक पार्ट छोटा होता है और एक पार्ट बड़ा होता है, ठीक है ना। ये 30S और ये 80S, सॉरी 50S, इनमें इस तरह से अंतर होता है। 50S ऐसे, अगर 70S, 80S इस तरीके से इनका ठीक है जो संरचना होती है वो जटिल होती है, इस तरह से होती है गोल, ठीक है, एक छोटी और एक बड़ी और एक तरीके से ये दोनों एक जगह जुड़ी रहती है। बच्चों अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करें, खोज की बात करें, तो इसकी खोज सबसे पहले सन 1941 में ठीक है ना कलाड़े ने की थी। पहले बच्चों कलाड़े ने इसका एक्सपेरिमेंट किया था और इसका नाम माइक्रोसोम कहा था। स्टार्टिंग में जब राइबोसोम की खोज हुई थी ना तो इसका नाम माइक्रोसोम इन्होंने रखा। यहां से बच्चों एक क्वेश्चन बनता है आपका कि राइबोसोम का जो नाम है वो कलाड़े द्वारा क्या रखा गया था। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि माइक्रोसोम, ठीक है, कलाड़े ने इसका नाम दिया। कब दिया था? 1941 ईस्वी में इसका नाम दिया था, ठीक है बच्चे। डिस्कवरी की बात हो गई यहाँ पर, इसको आप अलग से भी नोट कर लीजिए, ठीक है, कि राइबोसोम्स का सर्वप्रथम अध्ययन कलाड़े द्वारा किया गया सन 1941 ईस्वी में, और इन्होंने इसको सबसे पहले माइक्रोसोम का नाम दिया, ठीक है ना बच्चे। अब इसकी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या होगा देखिए जरा। ये जो हमारे पास दो अलग अलग छोटे छोटे खंड देख रहे हो ना आप, इनमें क्या होगा, इनमें ठीक है, इस पूरी अगर पूरे पार्ट की बात करें तो इनमें क्या क्या होता है, प्रोटीन्स होती है और इसमें RNA, जिसको RNA मतलब राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, इसके अंदर होता है और इसके अंदर प्रोटीन भी होती है, ठीक है ना। इनकी मात्रा देख लेते हैं, इनकी मात्रा कितनी कितनी होगी। तो प्रोटीन इसमें 40% होती है और भैया 60% इसके अंदर RNA, ठीक है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, जो एक शर्करा है वो इसके अंदर होती है। इसके बाद बच्चों बात करते हैं इनकी जो आप इकाई देख रहे हो, ये इकाई दोनों ही असमान भागों में बटी होती है। असमान मतलब अलग अलग भागों में ये बटी होती है दोनों, और एक दूसरे से लगभग जुड़ी होती है, ठीक है, इस तरीके से आप देख रहे होंगे, इस तरीके से इसकी संरचना होती है, ठीक है बच्चों। अगर हम इनकी दो कुल लंबाई की बात करें तो 290 एंगस्ट्रॉम के आसपास इसकी टोटल हाइट होती है किसकी, जिसमें 30S और 50S के ठीक है राइबोसोम मौजूद होते हैं। तो लगभग 290 एंगस्ट्रॉम इसकी हाइट होती है बच्चों। इसी के साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं के जो राइबोसोम होता है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल, यानी कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका, दोनों तरह की कोशिकाओं में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसकी जो छोटी इकाइयां होती है उसमें क्या होगा, वो थोड़े कुदुंबक के आकार की होती है, एक कैप के आकार की होती है, एक टोपी के आकार की होती है। जरा आप वहां देखिए, जो 30S वाला भाग मैंने डायग्राम में बनाया हुआ है उसको देखिएगा आप, ठीक है, एक गुदुम्बक के आकार की, ठीक है, मतलब एक टोपी के आकार की गोल ये संरचना इसके ऊपर वाली होती है, ठीक है। कोशिका द्रव्य में जब मैग्नीशियम आयन का सांद्रण कम हो जाता है तो ये दोनों की दोनों अलग अलग हो जाती है। मतलब यहाँ जो साइटोप्लाज्मा आप देख रहे हो, ठीक है, जो प्रोटोप्लाज्मा के अंतर्गत आता है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये जो इसकी संरचना है 30S और 50S, जब यहाँ मैग्नीशियम आयन का क्या होगा, सांद्रण होगा, तो भैया ये 30S और 50S दोनों अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो जाता है,
ठीक है, नोट कर लीजिए बात। कोशिका द्रव्य में जब मैग्नीशियम आयन का साधारण होता है तो ये 30S और 50S दोनों राइबोसोम अलग अलग खंडों में डिवाइड हो जाते हैं, अलग अलग खंडों में बढ़ जाते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, अगर हम 70S और 80S एंगस्ट्रॉम की बात करें, 70S और 80S एंगस्ट्रॉम राइबोसोम की यहां पर अगर बात करें तो इसमें क्या होगा, इनकी जो हाइट होगी, इनकी जो कुल लंबाई होगी वो लगभग ठीक है 100 से 150 व्यास के बीच में होगी, 100 से 150 एंगस्ट्रॉम व्यास इसका होगा, और ये थोड़ी 30S और 80S से आकृति में भी थोड़ा बड़ी हो जाएगी, इतनी छोटी बनाई है मैंने यहाँ पर, और ये हो जाएगी आपकी इस तरह की बड़ी हो जाएगी इस तरह, ठीक है ना। 70S और 80S इनका जो व्यास होगा, इनका जो व्यास होगा 100 और भैया 150 एंगस्ट्रॉम इनका व्यास होगा। अब बच्चों बात करते हैं इसकी जो इसके फंक्शन है, इसके जो कार्य है राइबोसोम के, उसकी बात करते हैं यहाँ पर कि इसके क्या कार्य हैं। बच्चों एक बात और है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से सबसे जटिल स्ट्रक्चर किसकी है, तो वहां पर भी आप राइबोसोम ही क्लिक करोगे, इसकी संरचना बहुत ज्यादा जटिल होती है, इनके अंदर के जो पार्ट हैं, इनके अंदर के जो ठीक है अलग अलग हैं, उनका वर्णन बहुत ही मुश्किल है, तो इसलिए ये जटिल स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर आता है। ठीक है अब बात करेंगे इसके कार्य, राइबोसोम के कार्य। विद्यार्थियों यहाँ पर जो इसका मुख्य कार्य होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस करना होगा, प्रोटीन संश्लेषण करना होगा, ये इसका मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण। अगर आपसे भविष्य में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि प्रोटीन का संश्लेषण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, हालांकि माइटोकॉन्ड्रिया अभी इसमें कुछ हिस्सेदारी लेता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रोटीन का सिंथेसिस होता है वो राइबोसोम के अंदर होता है। ठीक है ना, राइबोसोम आप वहां पर क्लिक करेंगे तो राइबोसोम। और एक चीज और है, जो राइबोसोम है उसमें प्रोटीन का संश्लेषण बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर आता है, मतलब सबसे अंतिम कड़ी है इसकी, प्रोटीन संश्लेषण की अंतिम कड़ी, अंतिम कड़ी यानी कि पूरी कोशिका में ठीक है, आल सेल के अंदर जो पूरी की पूरी कोशिका है उसमें ठीक है, जो लास्ट ठीक है, जो लास्ट पॉइंट आता है किसका, प्रोटीन सिंथेसिस का, प्रोटीन के संश्लेषण का, वो कहां पर होता है, वो भी आपका राइबोसोम के अंदर होता है। ठीक है नोट कर लीजिए इस बात को। इसके बाद साथ ही साथ बच्चों बताते चले कि जो राइबोसोम का निर्माण होता है वो कहीं ना कहीं आधुनिक मत के अनुसार वो किसके अंदर होता है, वो भैया मुख्यकेंद्रिका के अंदर होता है, वो यहाँ पर होता है। ठीक है वो यहाँ पर होता है। ठीक है आधुनिक राइबोसोम्स यानी कि आधुनिक वैज्ञानिकों के एक्सपेरिमेंटों के आधार पर ठीक है, जो केंद्रक द्रव्य है ये वाला केंद्रक द्रव्य, इसका अध्ययन हम हालांकि अगली वीडियो में करेंगे, तो इसके अंदर राइबोसोम का निर्माण होता है। ठीक है ना बच्चों, ये जो आपको यहाँ पर सभी बातें बताई गई है ठीक है, ये हालांकि इतना विस्तार वर्णन नहीं है जितना हमारे पाठ्यक्रम में है, उतना ही हमें यहाँ पर जानना जरूरी है, लेकिन जो इस टॉपिक के मुख्य बिंदु थे उस पर हमने यहाँ पर चर्चा की। ठीक है ना, उम्मीद है बच्चों आपकी ये वीडियो समझ में आ गई होगी, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है तो एक बार थोड़ा स्लो करके जो है इसको लो करके ठीक है, हल्की चाल में आप इसको देख सकते हो। ठीक है ना, थैंक यू।